में हमें टॉपिक का बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मींस कंपैरिजन मींस होता है स्टूडेंट, आप लोग पढ़े होंगे, तुलना करना, मतलब दो रेशनल नंबर दे सकता है, तीन रेशनल नंबर दे सकता है और उसमें से पूछेगा कि आप बताइए कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं वो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स से क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट, देयर इज अ कंफ्यूजन मींस आप यहाँ पे स्टूडेंट -1 जैसे दिया हो और 2 दिया है तो इसमें आपको ये भी पता चल जाता है स्टूडेंट कि जो नंबर्स पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। वैसे ही स्टूडेंट रेशनल नंबर में भी होता है कि जो रेशनल नंबर्स निगेटिव होते हैं वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर से क्या होती है, छोटी होती है। स्टूडेंट इतना आपको बात क्लियर हो गई होगी, मीन्स जो नंबर निगेटिव होता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। लेकिन स्टूडेंट उनको कंफ्यूजन तब होता है जब रेशनल नंबर या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, बस मैं कह रही हूँ तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप सब कुछ करिए कि आपके पास कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है और एक रेशनल नंबर सी बाई डी है। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप बड़ा छोटा करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ओके स्टूडेंट, इन दोनों रेशनल नंबर को इक्वल करके आप लिख लेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे आप डी में और बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी में, मीन्स ए बी इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, बी सी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात ये है स्टूडेंट कि जिसका प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट बी सी के प्रोडक्ट से बड़ा है तो ये रेशनल नंबर बड़ा होगा, अगर बी सी का प्रोडक्ट ए डी से बड़ा है तो ये रेशनल नंबर बड़ा होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, मतलब इधर वाला अगर बड़ा होगा तो ये नंबर बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा तो ये नंबर बड़ा होगा। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट? अब देखिए आपके यहाँ कुछ एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पूछा है कि 1/3 एंड 4/5 इसमें कौन बड़ा है स्टूडेंट। ओके, मीन्स 1/3 में और 4/5 में कौन बड़ा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1/3 कंपेयर करिए, ए बाई बी के समान दिख रहा है और 4/5 किसके समान दिख रहा है, सी बाई डी के, दोनों को इक्वल करके लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, मीन्स 1/3 इक्वल टू कितना, 4/5। ओके स्टूडेंट, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/5 इक्वल टू 4/3। ओके स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 1/5 जब 5 और 4/3 आर्स 12। ओके स्टूडेंट, अब इसमें इजीली आप चेक कर लेंगे स्टूडेंट किधर का नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, किसका प्रोडक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 12 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए स्टूडेंट नंबर कौन बड़ा होगा, 4/5। अब लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा स्टूडेंट, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी की तरफ हम ये, मतलब जो ये साइन होता है उसका मतलब माउथ ओपन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर बड़ा है स्टूडेंट, तो इसको लिखेंगे कितना, 4/5 ग्रेटर देन 1/2। इसका पढ़ने का तरीका ये है 1/3 4/5 ग्रेटर देन 1/3। ओके स्टूडेंट, मीन्स इसको पढ़ते हैं 4/5 इज ग्रेटर देन 1/3, मीन्स 4/5 1/3 से बड़ा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/3 इज लेस देन 4/5, वही दोनों का मीनिंग एक ही हुआ कि 4/5 ही बड़ा है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या बदल जाएगा, इसको पढ़ेंगे 1/3 इज लेस देन
फोर बाई फाइव। ओके स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। अभी स्टूडेंट एक बात मेरे सुनेंगे आप ध्यान से, एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट ए में क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर को बिकम करना होगा, छोटा करना होगा, किसी नंबर के इक्वल दिखाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देखेंगे एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज वन ए पेज नंबर थ्री पे देखेंगे स्टूडेंट, सब क्वेश्चन मिलेगा। कुछ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ स्टूडेंट, मैं साथ आप करेंगे कुछ वीडियो डाला हूँ आप देख के करेंगे। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए एक्सरसाइज वन ए। ओके स्टूडेंट इसमें मैं अभी बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री टू के इक्वल ही है, वही सारी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो में बनाया स्टूडेंट समझ सकेंगे। दिया हुआ है माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी, माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी को कितना बनाना है स्टूडेंट, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब ये कहलाएगा स्टूडेंट जब इस 12 बाई, ओके स्टूडेंट मैं बता ही देता हूँ देखेंगे। ओके स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करना है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज वन ए, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट माइनस माइनस टू ए बाई थर्टी। ओके स्टूडेंट तो यहाँ से करेंगे स्टूडेंट, आपको इजी एक तरीका बताता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ट्वेल्व को, ट्वेल्व को लिखिए। ओके स्टूडेंट यहाँ से क्या करिए स्टूडेंट इसका फैक्टर कर दीजिए, तो टू सिक्स टू थ्री आर, ओके स्टूडेंट अब थ्री वन आर। ओके स्टूडेंट मीन्स हम इसको तब तक ट्वेल्व को मीन्स डिवाइड करते हैं जब तक इसका मीन्स रिमाइंडर वन ना आ जाए। ओके स्टूडेंट तो ऐसे फिर कितना स्टूडेंट यहाँ पे थर्टी। ओके स्टूडेंट वही जैसे इसका एलसीएम निकालिए टू फिफ्टीन आर टू इंटू थ्री इंटू फाइव थ्री फाइव आर फाइव वन। ओके स्टूडेंट अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर खोजने से अच्छा है स्टूडेंट कि ऐसा कर लेंगे। ओके उसके बाद ट्वेल्व की जगह पे लिखिए माइनस, माइनस कंफ्यूजन है स्टूडेंट तो माइनस को बाद रखिए ब्रैकेट बनाइए टू इंटू टू इंटू कितना होगा स्टूडेंट थ्री। ओके ब्रैकेट क्लोज करिए बाइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट टू इंटू थ्री इंटू फाइव। ओके स्टूडेंट अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो टू यहाँ भी है और टू यहाँ भी है तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस टू से इस टू को कैंसिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट यहाँ टू है अब कहीं टू नहीं कटेगा स्टूडेंट, यहाँ थ्री है और यहाँ भी थ्री है तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब फिर यहाँ बच रहा है फाइव, तो यहाँ तो फाइव है स्टूडेंट यहाँ फाइव है नहीं कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब कि जो आप में भी है और हम में भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट जो आपके पास भी है मेरे पास भी है। ओके स्टूडेंट तो ऐसे ही अब इसका यहाँ पे क्या बच रहा है स्टूडेंट टू, तो यहाँ लिखेंगे कितना ये माइनस को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट साइन को ध्यान में रखते हुए टू और नीचे कितना बचा है स्टूडेंट फाइव, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होगा स्टूडेंट माइनस टू बाई फाइव। ओके स्टूडेंट और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन वैसे ही दिया है आप करेंगे और फिर पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलो विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, मतलब पेयर में दिया है स्टूडेंट उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट कौन सा नंबर बड़ा है। ओके स्टूडेंट देख लेंगे दो सेकेंड में देख लेंगे स्टूडेंट आप विच ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर, इन गिवन पेयर क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फाइव मीन्स थ्री बाई पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट थ्री बाई एट आर जीरो, इसमें ऐसे आपको लग रहा होगा स्टूडेंट क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कोई भी नंबर जीरो से क्या होता है बड़ा होता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होता है तो जीरो बड़ा होता है नेगेटिव नंबर।
सकते हो ओके स्टूडेंट। तो इसमें कौन सा बड़ा है स्टूडेंट, 3/8 ओके स्टूडेंट, तो 3 इज ग्रेटर देन 0 ओके स्टूडेंट। ऐसे इससे पहले भी मैं बताया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स में यही साइन वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, ग्रेटर लेस और इक्वल टू ओके स्टूडेंट, आप फिल अप कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो आप कंसल्ट कर सकते हैं जो स्कूल का ऐप है उस पर ओके स्टूडेंट। थैंक यू।